हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 2022 और 23 का, उसमें जो डिफरेंट शिफ्ट में ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, यानी डिफरेंट शिफ्ट में जो कॉमन क्वेश्चंस ईवीएस के आए हुए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं क्वेश्चन पे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, यानी कि कक्षा 4 का एक टीचर है जिनका नाम अयान है, वो संग्रहालय यानी म्यूजियम की यात्रा का आयोजन करते हैं, और इस फील्ड ट्रिप में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि ये जो फील्ड ट्रिप कराई जा रही है टीचर के द्वारा, जो टीचर ने ऑर्गेनाइज की है, इस फील्ड ट्रिप के द्वारा कौन सी प्रोसेस स्किल को मोटिवेशन मिलेगा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, या नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, यानी अगर म्यूजियम ले गया है टीचर तो बच्चा प्रयोग नहीं कर सकता कि वहाँ डिफरेंट टाइप्स की चीजें रखी हुई हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड, उनको निकाल के वो एक्सपेरिमेंट करने लगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर संप्रेषण एवं चरों की पहचान यानी एलिमेंट्स की जांच करना, वो भी नहीं कर सकता। अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण यानी कि ऑब्जर्वेशन कर सकता है, मॉडल निर्माण के लिए क्या कर सकता है, वहाँ से एक थॉट ले सकता है, मॉडल बनाना है बच्चे को तो वहाँ से एक क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकता है, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मीरा एन ईवीएस टीचर लाइक्स अ क्विट क्लास एंड आस्क हर स्टूडेंट टू सेट एंड वर्क इंडिविजुअली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिनाइड टू द हर स्टूडेंट, यानी कि कह रहा है कि ईवीएस की एक टीचर है जिनका नाम मीरा है, उनको शांत कक्षा पसंद है, यानी कि बहुत ज्यादा शोरगुल उन्हें पसंद नहीं, तो बच्चों से कहती हैं कि आप लोग अपना अपना काम कीजिए, शोर मत मचाइए। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसा टीचर के करने से, यानी टीचर अगर ऐसा कर रही है तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है किससे वंचित रह जाएंगे, यानी क्या उन्हें नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हमारे टाइम में होता था, टीचर का पढ़ाने का मन नहीं होता तो वो सिंपली बोल देते थे कि आप लोग शोर मत मचाइए, जो भी आपका इंडिविजुअली वर्क है आप कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं करनी है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है बहुबुद्धि, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस तो लग सकती है, वो डिफरेंट काम कर सकता है, डिफरेंट चीजों के बारे में सोच सकता है, इंडिविजुअली सोच सकता है। फिर कह रहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कर सकता है, यानी उसने बुक खोली, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को इंडिविजुअली, तो उसमें भी इंडिविजुअल वर्क हो सकता है। फिर इंडिविजुअल लर्निंग ये भी कर सकता है, पीयर लर्निंग नहीं कर सकता, क्योंकि पीयर लर्निंग में इंडिविजुअल वर्क होता ही नहीं है, बच्चों को आपस में बात करना पड़ेगा, और जब बात करेंगे तो आवाज होगी, और टीचर ये नहीं चाहती कि कक्षा में आवाज हो, क्लास में आवाज हो, तो इसलिए यहाँ 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा गया है, विच विल बी डिनाइड टू हर स्टूडेंट, तो यहाँ पीयर लर्निंग सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 3 स्टेट, यानी 3 राज्यों का ऐसा समूह है जो अरब सागर के किनारे पड़ता है। एक तरफ जैसे कि अगर आप देखेंगे ऐसे इंडिया का मैप, तो इधर अरब सागर आ जाता है और इधर क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी आ जाता है। तो पूछ रहा है कि अरब सागर के जो कोस्टल एरिया है, यानी इस साइड में जो एरिया है, तो वो कौन कौन सा समूह हो जाएगा। 3 राज्य दिए हुए हैं, 3 राज्यों में आपको देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इधर आ जाता है केरल, फिर केरल के बाद आ जाता है कर्नाटक, फिर इधर छोटा सा गोवा आ जाता है, फिर ये पूरा महाराष्ट्र हो जाता है आपका, और इधर जब आप ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाता है, गुजरात का एरिया हो जाता है। तो कोस्टल एरिया कौन कौन से हो जाएंगे जो अरब सागर से जुड़े हुए हैं, वो आपके केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में से कुछ दिए हुए हैं, तो ये देखिए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं, यानी कि बहुत सारे विलेजेस हैं हमारे देश में, तो उन्हीं में से एक विलेज की बात की गई है जहाँ की ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने का कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होने चाहिए, यानी घरों की विशेषता के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको ये सोचना है, ये एनालाइज करना है कि ये कहाँ के राज्यों की घरों की विशेषता बता रहा है जहाँ अधिक वर्षा होती है। चार ऑप्शन आपके पास, हिमाचल प्रदेश,
तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। असम के जो घर हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है। और यहाँ फिलहाल अंबुबाची मेला चल रहा है जो कि कामाख्या देवी मंदिर में है। और अंबुबाची मेला को ईस्ट का महाकुंभ भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट का कुंभ किसे कहते हैं, वैसे आएगा नहीं, बट एज अ जीएस मैं आपको बता रही हूँ, तो वो हो जाएगा आपका अंबुबाची मेला जो असम में होता है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी आप पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अभिविन्यास का उद्देश्य क्या है, यानी जो होम असाइनमेंट दिए जाते हैं टीचर के थ्रू ईवीएस में, उसका क्या पर्पज है, क्यों टीचर देता है होम असाइनमेंट कि नहीं ये घर से करके लाना है असाइनमेंट को। ऑप्शन आपके पास रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एट होम, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न इन स्कूल, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, वो तो सबसे अच्छा क्लास में ही हो सकता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट टीचर जब प्रोवाइड करता है बच्चे को तो एक मोटिवेशन मिलती है, फर्स्ट होगा नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एट होम, घर पर समय का सदुपयोग तो वो स्कूल में भी कर सकता है, ये भी नहीं होगा। मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न इन स्कूल, यानी कॉन्सेप्ट में उसे मास्टरी प्रोवाइड करना, ये होम असाइनमेंट देने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मास्टरी, हम अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो मास्टरी पे बात ही नहीं करते हैं। फिर बचा कौन सा, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग यानी सीखने का विस्तार। घर पे हम इस वजह से देखते हैं, चीज़ें देते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट कर सकें, अपने आसपास के लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकें, तो उनके क्या सीखने का जो विस्तार है यानी जो एरिया है लर्निंग का, वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए, यानी ये जो NEP 2022 है उन्होंने पर्यावरण अध्ययन में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उसकी वृद्धि के लिए कौन से शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजिकल एक्टिविटीज या पेडागोजिकल एक्सरसाइज बताई है, उनका चुनाव करना है आपको। ऑप्शन आपके पास पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना यानी यूनिटरी बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल बी एंड सी, क्योंकि यहाँ चुनिंदा अवधारणा, अगर यहाँ चुनिंदा ना होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। चुनिंदा यानी यहाँ आप देख सकते हैं की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, इस वजह से ये सही नहीं होगा। यहाँ बी और सी यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जंगलों की ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है, यानी जंगल अगर बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं इस टाइम पे तो उससे क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज जो देखने को मिल सकती हैं वो क्या होंगी, ये बारे में इस बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि जब ज्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी इन्वायरमेंट में, क्यों, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और हमें सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ता है यानी कि जो हीट है वो ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ जाएगा, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, हो सकता है, फिर उसके बाद बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, सही बात है, पेड़ नहीं होंगे, जब पेड़ होते हैं तो मृदा को क्या होता है, मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, नहीं होंगे तो क्या होगा, वर्षा का जल उन्हें बहा ले जाएगा, तो ये भी सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया। फिर है भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा पेड़ों के कटने से, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ग्राउंड वाटर बढ़ ही नहीं सकता अगर पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ क्लाइमेट चेंज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो सही कौन सा है, बी एंड सी, बी एंड सी किसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए अगर कभी कभी अब ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के, तो ये मिसप्रिंट हो सकता है कि कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि जो इंग्लिश में अलग दिए होंगे आपके, जैसे कि यहाँ पास बी एंड सी दिया हुआ है, यहाँ बी एंड डी दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी एंड सी, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ में लगाएंगे। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, हिंदी में अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए कि आपको मिल ही नहीं रहा है कि ये ऑप्शन तो सही है लेकिन इसका कुछ दिया ही नहीं है, तो आप इंग्लिश में लैंग्वेज में भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बोथ लैंग्वेज में पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उन परिवर्तनों को पहचाने जिन्हें उनक्रमित किया जा सके, उत्क्रमित मतलब क्या होता है,
जैसे कि आप पानी से बर्फ बनाते हैं, बर्फ से पानी भी बना लेंगे, यानी जो आप रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनकी बात किया जा रहा है। तो कौन कौन से इसमें रिवर्सिबल चेंजेस हैं वो आपको पहचानने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से परत बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से परत तो आप बना लेंगे, लेकिन क्या परत से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेंगे? यानी पीओपी जो आपकी दीवारों पे लगती है, एक बार आपने दीवार पे लगा दिया, फिर क्या आप उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर सकते? नहीं कर सकते। दूसरा, मोम का घोल बनाना, ये पॉसिबल है क्योंकि मोम को आपने क्या किया, मेल्ट किया, तो वो क्या पिघल के घोल बन जाएगी। अब उसी घोल को आप ठंडा होने के रख ली होने के लिए रख दीजिए, तो क्या होगा, वो मोम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो विशेषताएं दी हुई हैं, यानी कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है जानवरों में, तुम्हें ये बताइए कि कछुआ, अजगर, बात, छिपकली, शहद की मक्खी, यानी इनमें से कौन सी कॉमन क्वालिटी पाई जाती है? शरीर का सलकों से ढका होना, जी नहीं, क्योंकि ये कछुआ में पाई जाती है, अजगर में पाई जाती है, लेकिन बाज में ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती। भूमि तथा जल दोनों में रह सकना, बाज कभी आपने देखा है वो जल में रहता है, वो हमेशा आसमान में रहता है, यानी कि वो भूमि पे रहता है, जल पे नहीं रहता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अंडे देना, जी हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि कछुआ भी अंडे देता है, अजगर भी देता है, बाज भी देता है, छिपकली भी देती है, शहद की मक्खी भी देती है। अब ये बताइए कि जो अंडे देते हैं वो क्या होते हैं, यानी एक होते हैं स्तनधारी मैमल्स, और उसके बाद दूसरे होते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि जो आपके सरक पर चलते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से मैमल्स और रेप्टाइल्स में से कौन कौन से रेप्टाइल्स होंगे और कौन से मैमल्स होंगे? अंडे देते हैं तो ये एक प्रमुख विशेषता है, तो ये किसकी विशेषता हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, और ये अंडे दे रहे हैं, यानी कि ये आपके रिप्टाइल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, अजगर भी रिप्टाइल्स में आ जाएगा, पक्षी बाज पक्षी में आ जाएगा, और यहाँ सर्द की मक्खी किस में आ जाएगी, इंसेक्ट में आ जाएगी, छिपकली रिप्टाइल में आ जाएगी, कछुआ रिप्टाइल में आ जाएगा, अजगर रिप्टाइल में आ जाएगा। ये मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए चुनौती क्या है, यानी प्राइमरी लेवल्स पे जब आप सिखा रहे हो बच्चों को तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे? पहला है रोट लर्निंग, यानी रटकर सीखना, ये तो बहुत आसान है, आपने बच्चों से कह दिया कि जो हम बोल रहे हैं उसे फॉलो कीजिए और रटकर सीखिए, तो ये तो आसान है। फिर कह रहे हैं सम्मित आधारित सीखने का स्तर, यानी मेमोरी बेस्ड लेवल ऑफ लर्निंग, आपने मेमोरी बेस्ड क्या पजल्स दे दिए, ये भी ईजी है। उसके बाद कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर दिया आपने, ये भी आसान है। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ, यानी बच्चों को अपने ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर प्रदान करना, क्योंकि ये क्या है, चैलेंजेस है, क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें अवसर प्रदान कर रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका मेमोरी लेवल क्या है, उनकी थिंकिंग स्किल क्या है, और उसके बाद उन्हें किन किन प्रॉब्लम किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, उनका एटीट्यूड क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि जो एजुकेशन आज के टाइम पे वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड को बच्चों को सेंटर में रख के ही हमें सारा काम करना है, तो इसलिए यहाँ आपका फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इशू ऑफ थीम, यानी फूड एक क्या है, थीम है, कैन बी मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक फॉर द स्टूडेंट इफ, यानी भोजन विषय के मुद्दे को विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक बनाना है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन आपके पास, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित करना, यानी जो आपका इशू है, फूड रिलेटेड इशूज है, उसी से रिलेटेड ग्रुप वर्क कराना, उसी से रिलेटेड डिस्कशन कंडक्ट कराना। तो सबसे ज्यादा आप देखिए कि इन चारों में से बच्चे सबसे ज्यादा किस में एक्टिव हैं। सेकेंड ऑप्शन क्विजेस है, यानी कि आपने क्विजेस दे दिए, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, टेक्स्ट बुक एज अ रिसोर्स इन्वॉल्व कर लिया, तो ये चारों ही सही हैं, ऑथेंटिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा किस में एक्टिव है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा ग्रुप वर्क में, जब वो ग्रुप में काम करेगा अपने सहपाठियों के साथ, यानी कि पीयर लर्निंग करेगा, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग ऑफ द स्टेप, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, यानी कि जो प्याज की खेती होती है उसके कुछ स्टेप दिए हैं कि कैसे कैसे हम करते हैं, तो उन स्टेप्स को आपको एक सीक्वेंस में लगाना है, ये स्टेप दिए हुए हैं। तो किसी भी अगर आप कुछ भी बोना चाहते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, जमीन की खुदाई करेंगे,
यानी अगुड़ाई करेंगे। यहाँ पास पहला क्या हो जाएगा, गुड़ाई करना, यानी कि बी पहला आपका हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, उसमें बीज बोंगे, यहाँ पर दूसरा ये वाला हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बीज बोने के बाद क्या होगा, सिर्फ ऐसा तो होगा नहीं कि जिसके बीज आपने बोए हैं सिर्फ वही पौधा उगेगा, साथ ही साथ बहुत सारे खरपतवार भी उगते हैं। और खरपतवार को हटाना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नहीं हटाएंगे तो मिट्टी से जितने भी खनिज लवण है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, पौधे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, पौधे बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका खरपतवार हटाना। चौथा देखते हैं, फिर कह रहा है प्याज को उखाड़ना या प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि प्याज के ऊपर की अगर सूखी पत्ती हटा देंगे पहले तो उसे उखाड़ेंगे कैसे, खुरपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे खोदना पड़ेगा, यानी कि कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर हम पहले प्याज को उखाड़ लेंगे तो क्या एक सपोर्ट रहता है, आप उसको पकड़ के खींच सकते हैं और ऐसा ही हम करते हैं। यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, प्याज को पहले उखाड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो वो हमारी हेल्प करेंगे उसको उखाड़ने में। पांचवा हो जाएगा आपका प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। और सेम प्रोसेस हम लहसुन में भी करते हैं, यानी कि पहले उखाड़ देते हैं फिर बाद में उनकी जो सूखी पत्तियां होती हैं वो हम हटाते हैं। तो यहाँ सही स्टेप क्या है, बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी किसमें दिया हो, फोर्थ में, तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं आपको एज अ हिंट प्रोवाइड कर देती हूँ। कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो 144 किलोमीटर की दूरी से 2 घंटे, मतलब 144 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर कर लेती है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो स्पीड है उस, सॉरी चाल है उसकी, यानी स्पीड है मीटर पर सेकंड में आपको निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो, सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दिया है, 144 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसलिए हम 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 72 यानी 4 टाइम्स जाएगा, 4 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे होते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही सेम प्रोसेस हम उल्टा कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई भी सिप्ट उठा के देख लो हमेशा पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। सपेरे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है क्योंकि सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, एक चैप्टर है ये। आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वो अपना वाग्यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाग्यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है, यानी जब आपने देखा होगा गांव में जब सपेरे आते हैं, कभी भी आपने देखा हो तो सपेरे जब बीन बजाते हैं तो सांप क्या करता है, अपने मुंडे इधर उधर हिलाता है, यानी अपने सर को इधर उधर हिलाता है, उसे कहते हैं कि नाच, यानी कि सांप नाच रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी अनुक्रिया का मतलब सांप ऐसा क्यों करता है बीन को देखकर, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है बीन की मधुर गंध, भाई बीन है आवाज निकलती, गंध तो निकलती नहीं है, ये तो एकदम गलत ही हो जाएगा, कोई बेसलेस बेस ही नहीं है। फिर कह रहे सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना। ध्यान रखिएगा सांप के कान नहीं होते, सांप सुन नहीं सकता, वो मतलब कि श्रीदेवी की मूवी नहीं चल रही थी, सपेरों ने बीन बजाया और श्रीदेवी नाचना शुरू हो गई एज अ नागिन, ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी ऐसा करिएगा भी मत, सांप सुन नहीं सकते यानी सांप बहरे होते हैं, तो यहाँ ये वाला भी गलत हो गया। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना, सही ना करना, अगर यहाँ लिखा होता करना तो ये सही हो जाता, क्योंकि वो क्या करता है, फॉलो करता है, जैसे जैसे बीन घुमाता है वैसे वैसे वो अपना सर घुमाता है, फॉलो करता है, इमिटेशन करता है। जैसे बच्चा जब अर्ली इन्फेंसी में होता है तो वो क्या इमिटेशन के थ्रू सीखता है, तो वैसा सेम प्रोसेस सांप के साथ भी होता है। तो यहाँ कह रहा है ना करना, निगेटिव है तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा फोर्थ, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, जब बीन बजती है तो वाइब्रेशन होगी क्योंकि वॉइस में अब वाइब्रेशन तो होती है, तो वाइब्रेशन से जो सांप के पास जो वाइब्रेशन के थ्रू संचरण होता है उससे वो अपना सर हिलाता है, ये हम कह सकते हैं फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म दृष्टिकोण, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है
जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से सबसे ज्यादा मेल खाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास यूजिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ईयर्स टू आइडेंटिफाई देयर अडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच मतलब लर्निंग बाई डूइंग, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब देखिए इसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, इसमें बच्चा क्या है एक्टिव है। फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कह रहा है एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगी की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, तो ये तो टीचर एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें लर्नर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना वो सेकंड वाले ऑप्शन में है। विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ग्लोब में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे ग्लोब है चलो ढूंढते हैं। अब बच्चे जिन्हें जानते हैं कंट्री इंडिया के बारे में, पता चलो इंडिया देखते हैं इंडिया कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और इसमें बच्चा एक्टिव भी होगा। तो इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, वो कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, बट हमको सबसे ज्यादा वाला देखना होता है कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो यही देख लीजिए कि बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें हैं, क्योंकि हम एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं। तो यहाँ आपको ऐसा ही करना है, ऐसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं ऑप्शन को। यहाँ आपको 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं, यानी दो स्टूडेंट हैं वो ग्लोब लिए हुए हैं, उस पर डिफरेंट देशों को देख रहे हैं। उजायरा कहती है देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। समीर कहती है होनी तो चाहिए, ये इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच में भी रेखाएं हैं। तो उपरोक्त पाठ यानी कि ऐसा जो एक्टिविटीज हो रही है कक्षा 5 के छात्रों के लिए अक्षांश और देशांतर की अवधारणा को परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और समीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? आप ज्यामिति में बिंदुओं के आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? फोटो लेते समय आपके कैमरे में स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं, यानी जो ऐसे ऐसे नजर आती हैं? विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये बताइए कि इससे रिलेटेड कौन सा होगा, ये आपको बताना है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि आप जो ग्राफ पेपर यूज करते हैं ग्राफ बुक यूज करते हैं तो उसमें विभिन्न बिंदुओं को यानी ज्यामिति जो पॉइंट्स होते हैं उनको आलेखित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो उसी का रिलेशन यहाँ ग्लोब से हो जाएगा, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो टच करने से बीमारियां फैलती हैं, जो अछूत बीमारियां हैं, जो छूत बीमारियां हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ। तो उसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन बेस्ट टेस्ट फॉर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी इस ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करने के लिए कौन सा क्वेश्चन सबसे बेहतर होगा असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन है हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए नहीं करते, क्यों? यदि आपके माता पिता में किसी एक को मलेरिया है तो क्या तो स्वयं को उसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि वो मलेरिया जो आपके पेरेंट्स को मलेरिया हो गया है आपको मलेरिया ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या ये इससे रिलेटेड है? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में आप किन रोग वाहक कीड़ों का रोक सकते हैं? जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी है, तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, यानी हम कोविड के टाइम में मास्क का यूज करते हैं लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है तो हम मास्क का यूज नहीं करते हैं, क्यों ऐसा, क्यों क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ क्या है एक थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है मेड़कों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपड़ी पौधा यानी पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत में नहीं पाया जाता, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रेगर मेंडल क्या है, ये एक
वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, यानी मंक थे वो, वहां चले गए थे आश्रम, वाश्रम में वहां रहने लगे थे, तो इस वजह से यहाँ मंक का यूज किया गया है। तो उन्होंने क्या है, आश्रम में बगीचा था, वहां 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 साल तक, यानी 7 वर्ष तक मटके बगीचों में प्रयोग किया। उन्होंने ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण जोड़ियों में आते हैं, यानी कि जो मटर के पौधे हैं उनमें से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें चाटिए जिन्हें मंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था, यानी मंडल जो प्रयोग किए थे उनमें कई सारे क्या होते रिजल्ट निकले थे, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट मंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं पाया। पहला, बीजों का हरा या पीला होना, बिल्कुल सही बात है, इसी बात पे तो बात की थी, हरा पीला, खुरदुरा होना, चिकना होना, ये भी सही हो जाएगा। और पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी सही है। अगली पीढ़ी के पौधों के बीज का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बनाया, जी नहीं, ग्रेगर मंडल ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी पौधे के पीले और हरे बीज का अगर सम्मिश्रण करके एक नया पौधा बनाया जाता है तो उसका जो बीज होंगे वो किसी और कलर के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किस कलर के हो जाएंगे, ज्यादा पीले कलर के बीज होंगे, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है, यानी कि जूम ऐप पर, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जूम ऐप क्या होता है, बेस्ट होता है, ऐसा क्यों है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो इसे बेस्ट बनाती है, ये आपसे पूछ रहा है सीधा सा क्वेश्चन। चैट में GIF, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल बैकग्राउंड या ब्रेकआउट रूम्स, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चैट में GIF, क्यों, क्योंकि हो सकता है जो आपके स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ हो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम हो, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो, तो वो देख के तो समझ सकते हैं ना, और ये क्या हो इंटरेस्टिंग भी बनाता है, तो इसलिए यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहमीर जो ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता, यानी कि सहमीर नीचे ग्लोब रखा हुआ है, नीचे हिस्से की तरफ इशारा करता है और कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि निचले वाले हिस्से में कोई रहता ही नहीं है। तो उजायरा कहती है यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना के लोग रहते हैं यहाँ। समीर कहते हैं क्या ये लोग उल्टा खड़े रहते हैं, ये लोग गिरते नहीं है। तो फिर उसके बाद अभी ही कह रहा है कि सोर्स NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11 उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों के गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए उपयोग किया गया है, यानी कि ये जो लेशन ऐड किया गया है क्लास 5 में 11th लेसन प्लान में, ये किस लिए ऐड किया गया है, ताकि बच्चों को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया जा सके। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा, यानी जो उसे गलतफहमी हो गई है कि जो नीचे के लोग रहते हैं वो उल्टे रहते हैं, तो ये जो उनकी गलतफहमी इसको दूर करने के लिए कौन सा क्वेश्चन बेस्ट रहेगा, देखते हैं। जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। कल्पना करिए कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है, क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वो गिर जाएगी। फिर कह रहा है कि ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग परिस्थितियों से पिन को देखें, लक्षणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। से एक गेंद और एक पंख को एक ऊंचाई के साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी को आकर्षित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा होता है। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या होगा, 3, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व है और डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दो और कहो कि इस ग्लोब को घुमाओ और देखो कि पिन की स्थिति कैसे कैसे बदल रही है, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक टीचर है उस पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण किया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन आपके पास, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी इन ए स्टूडेंट, इट हेल्प एक्टिवेट स्टूडेंट प्राइवेट नॉलेज ऑन द अर्थ, इट हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पोजिशन ऑफ कंट्रीज बेटर, इट हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग लैंडस्केप बेटर। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इट हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग लैंडस्केप बेटर, यानी जो 3D मॉडल
पढ़ाया जा रहा है उससे क्या होगा, उसे भूदृश्य को समझने में मदद मिलेगी। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कन्नौज एक जिला है, यूपी का जिला है, वो इत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस, इत्र यानी परफ्यूम जो आप लगाते हो कहीं बाहर जाने से पहले इम्प्रेस करने के लिए। पूछ रहा है ये जिला किस राज्य का, तो मैंने पहले ही बता दिया किसका राज्य है, ये यूपी का राज्य है। और कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन को कई टाइप से घुमा के पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि हमारे देश में संघ शासित प्रदेश कितने हैं, बताइए संघ शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 8, यानी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। संघ शासित प्रदेश क्या होते हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि जो अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट का हक में आती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जैसे यूपी में तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, कुछ भी पॉलिसी आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्टिव करेगी सबसे ज्यादा सबसे पहले, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ 8 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है। उसके बाद कह रहा है कि और सभी पेड़ों पौधों के आकार, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है किसकी तरफ, तो ये आपको बता रहे हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, तब तक मैं लैपटॉप का चार्जर लगा देती हूँ। बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन आपने रीड ही कर लिया होगा, अब आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट करना मतलब बच्चों को हेल्प करेगी कि जो वेरियस टाइप के प्लांट्स हैं, जो वेरियस कैटेगरी के हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंशियस हैं, उनको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व कर पाएगा बच्चा। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं यानी जो ईवीएस के कॉन्सेप्ट हैं उनको प्राइमरी में कहा जाता है कि जो प्राइमरी बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, उनको कहानियां कविताओं के माध्यम से पढ़ाया जाए ईवीएस के जो कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा क्यों है, एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा, यानी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा जब वो कहानी के थ्रू ईवीएस के कॉन्सेप्ट को समझा रही है बच्चों को, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे रिलेटेड कहानी बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत ही अवधारणा बता दें, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, बताइए ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। तो ये भी क्या होगा, होगा, क्योंकि आपने प्राइमरी कभी मन करे एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करना प्राइमरी लेवल की, और आप देखना कि उसमें जेंडर बायस को कितना दिखाया गया है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए कितनी सारी स्टोरीज ऐड की गई, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी की हो गई, सुनीता विलियम्स की हो गई, और अभी और क्या था, एक और भी लेडी की थी जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी, फोगार्ड करके, उनकी भी स्टोरी ऐड की गई है। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप को कम किया जा सके, तो यहाँ बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, क्या ये मेन ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ कह रहा है कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी उनके उसके जुड़ाव महसूस करें, यानी कि जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, ऐसी कहानियां आप बताइए। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ऐसी कहानी बता दें जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं, मतलब उनमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ऐसी कहानी आपको नहीं बतानी है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ए बी डी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं जो एक लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, वो किन किन चीजों को बना सकता है। ऑप्शन आपके पास, मिट्टी का मटका, लोहार मिट्टी का मटका बनाता है कभी, नहीं गलत हो जाएगा। कुल्हड़, कुल्हड़ कभी बनाता है, नहीं। अंगूठी, आरी, चूड़ी, हो सकता है। ईंट, ईंट क्या लोहार बनाता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोहार अंगूठी बना सकता है, आरी बना सकता है, चूड़ी बना सकता है, लोहे की चूड़ी बना दे,
लोहे की अंगूठी बना दे, लोहार से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज जो 8 है उनमें से एक कौन सा है। ऑप्शन आपके पास अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए कौन सा इसमें से यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर है आपका, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में आ जाती है, और उसके बाद और कौन कौन से होते हैं, पुदुचेरी आता है और दमन एंड दीव आ जाता है, दादर नगर हवेली आ जाता है। तो ये आपके कुछ मैंने आपको यूनियन टेरिटरी के नाम बता दिए, टोटल 8 हैं, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है पर भालू होता नहीं है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता बिताता है, तो यानी जो ब्रांचेस होती हैं ऐसे उनमें उल्टा लटक जाता है, उल्टा लटक कर 17-17 घंटे सोता रहता है, और जिस पेड़ पर लटका रहता है उसी की पत्तियां खाता है। इसकी जो एज होती है 40 ईयर्स होती है, यानी 40 साल तक जीता है, और 40 साल के अपने जीवन काल में ये क्या करता है, सिर्फ 8 वृक्षों पर ही घूमता है, 8 वृक्ष से ज्यादा नहीं, यानी 8 वृक्ष पे घूमता है, और जिस पेड़ पे रहता है उसकी पत्तियां खाता है, और सप्ताह में एक दिन पेड़ से नीचे उतरता है मलमूत्र विसर्जित करने के लिए। ये कौन सा हो जाएगा, स्लॉथ। यहाँ स्लॉथ के बारे में बात की जा रही है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि भूषण अपनी कक्षा 2nd की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं, यानी कि लैंग्वेज की क्लासरूम है, थीम है यात्रा यानी ट्रैवल, उसको इंटीग्रेट करना चाहता है क्लास से। तो आपसे पूछा है कि आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो इस एक्टिविटीज के लिए सबसे बेस्ट होगी, ये आपको बताना है। यात्रा पर द्रव्य दृश्य क्लिप यानी ऑडियो विजुअल क्लिप, दूसरा है पोएम ऑन ट्रैवल, मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ ट्रैवल, या चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल। सबसे ज्यादा एक्टिवेट किसमें है, यानी एक्टिव किसमें है बच्चा, सबसे ज्यादा उसमें क्रिएटिव थिंकिंग यूज की जा सकती है जब बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहते हैं। आप कहीं ट्रैवल पे गए, आपसे कोई पूछ लिया आप ट्रैवल पे गए थे, आपने वहाँ क्या देखा, तो आप क्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अरे हमने वहाँ पहाड़ देखे, अरे हमने वहाँ एक नई ट्रेन देखी, हमने वहाँ बोट देखा, हमने वहाँ रिवर देखे, हमने वहाँ पेड़ देखे, हमने ये देखा, हमने वो देखा, फलाना चीजें आपको दुनिया भर की चीजें आप बता देंगे। तो क्या आपकी क्रिएटिव थिंकिंग यूज हो रही है, आप क्या कर पा रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया था उसका आप बता रहे हैं, इवैल्यूएशन दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, तो इसलिए यहाँ 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है और इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस करूंगी जो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। 1 महीने का टाइम, 20 अगस्त को पेपर है, 1 महीने से ज्यादा का ही टाइम है, बस आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इस वीडियो की PDF, यानी जो ये PDF के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है समझाया, इसकी फ्री PDF भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं जो मैंने स्टार्ट की है, तो आप EVS में 30 में से 25 तो ले ही आएंगे। 5 इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो उनका NCERT के बुक से कोई लेना देना नहीं होता था। जैसे पिछले शिफ्ट में ही पूछ लिया था कि संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जो कहीं भी NCERT के बुक में मेंशन ही नहीं है। संघाई फेस्टिवल GK से उठा लिया था, जनरल नॉलेज से, जो मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही फ्री PDF भी मिल रही। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।